हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं MG एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ इस टाइप से ब्लैक एंड ऑरेंज टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ट्रिक एंड स्टेप बताऊंगा जिसकी सहायता से आप भी अपनी फोटो में कुछ इस टाइप से टोन आसानी से दे सकते हैं। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी से आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारी फोटो, इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाते हैं कलर टूल पे, इस वाले आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +30 एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो टिंट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +18 एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी बढ़ा देंगे। तो गाइस, वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +21 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे। तो उसके लिए हम सेकेंड वाले ऑरेंज कलर पर जाएंगे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं +8 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +12 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को भी कर देंगे -100 एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -20 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100 एंड यहाँ से इसकी भी सेचुरेशन को कर देंगे -100 एंड यहाँ से इसकी भी लुमिनेंस की वैल्यू को माइनस क्यों ले जाएंगे, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -30 एंड ऊपर से कर देंगे डन। एंड इतना करने के बाद हम नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, क्लैरिटी की वैल्यू को अपने फोटो की क्वालिटी के हिसाब से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसे रखता हूँ मैं +25 एंड यहाँ से DH की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि जो हमारी फोटो है उसमें HDR इफेक्ट मिले। ठीक है, तो इसे रखते हैं +8 एंड यहाँ से विनियट की वैल्यू को माइनस क्यों ले जाएंगे, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -49 एंड यहाँ से मीट पॉइंट की वैल्यू को भी डिक्रीज करेंगे। तो गाइस, मीट पॉइंट की वैल्यू को अपने सब्जेक्ट के हिसाब से रखनी है। ठीक है, तो मैं इसे रखता हूँ 0 एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को कर देंगे हम +100। तो देख सकते हैं हमारी फोटो में डार्क टोन यानी कि ब्लैक टोन आ चुकी है। अब हमें डालनी है ऑरेंज टोन, तो उससे पहले क्या करेंगे हम फोटो को स्मूथ करेंगे। ठीक है, तो स्मूथ करने के लिए हमें डिटेल के ऑप्शन पे जाना होगा, इस वाला आइकन पे और यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को करते हैं +20 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं 15 एंड यहाँ पर कलर नॉइस रिडक्शन है एंड इसकी वैल्यू को भी यहाँ से हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। ठीक है, तो गाइस, जो हमारी फोटो में ब्लैक टोन वो आ चुकी है लेकिन ऑरेंज टोन नहीं आई। ठीक है, तो ऑरेंज टोन डालनी यानी देने के लिए हमें क्या करना होगा, मास्किंग टूल पे जाना होगा, इस वाला आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ब्लू प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें कलर रेंज ऑप्शन को सेलेक्ट करनी है एंड अपने फोटो में कुछ इस टाइप से सर्कल आइकन में पॉपअप होते हुए दिखाई देगी। तो क्या करनी है, अपनी फिंगर को यहाँ सर्कल आइकन पे टैप करनी है और इसे स्लाइड करते हुए जिस भी एरिया को सेलेक्ट करनी है उस एरिया में इसकी फोकस पॉइंट को रखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ एंड फाइनली अप्लाई पे क्लिक कर देंगे एंड इतना करने के बाद हम नेक्स्ट जाते हैं कलर के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर नीचे में देखिए कलर का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पर इसके ह्यू एंड सेचुरेशन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, अपनी फिंगर को यहाँ पर टैप करेंगे और फिंगर को स्लाइड करते हुए इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को मिलाएंगे। ठीक है,
तो हमारी फोटो में हमें ऑरेंज टोन डालनी है तो उसी के हिसाब से इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन को मिलाएंगे। तो इसकी ह्यू है 13 एंड सैचुरेशन है 100 एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, इसे 14 रखते हैं एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो इसे रखते हैं 10 एंड यहाँ से सैचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो इसे रखते हैं +15 एंड वो यहाँ से कर देंगे डन। सो गाइस हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर ऐसी। सो गाइस आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोग को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर को ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस से क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।